नमस्ते, मेरा नाम है स्वाति और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। हैदराबाद रेप केस में चारों आरोपियों को पुलिस ने मार दिया। खबरों के मुताबिक रात के 3 बजे पुलिस चारों आरोपियों को लेकर वारदात वाली जगह पर गई। नेहरू ओआर प्लाजा से कुछ मीटर दूर की वो जगह जहां वेटनरी डॉक्टर की जली हुई लाश मिली थी 28 नवंबर की सुबह। ये जगह हैदराबाद के पास नेशनल हाईवे 44 पर है। पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करने गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह के वक्त धुंध थी। इस धुंध का फायदा उठाकर चारों आरोपियों ने भागने की कोशिश की। उन्हें रोकने और पकड़ने की कोशिश के दौरान पुलिस ने एनकाउंटर में उन्हें मार दिया। मारे गए चारों आरोपियों के नाम हैं जॉली शिवा, मोहम्मद आरिफ, जोलू नवीन और केशवालू। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि हैदराबाद रेप और मर्डर केस के चारों आरोपी आज तड़के सुबह पुलिस के साथ क्रॉस फायरिंग में मारे गए। पुलिस कमिश्नर ने क्रॉस फायरिंग में आरोपियों के मारे जाने की बात कही। ये न्यूज एजेंसी पीटीआई का ट्वीट बताता है। तो क्या आरोपियों के पास भी हथियार थे? क्या उन्होंने भी फायरिंग की थी? अगर हाँ तो उनके पास हथियार कहाँ से आए? फिलहाल इन सवालों के जवाब नहीं है। हैदराबाद पुलिस जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस एनकाउंटर का घटनाक्रम बताने वाली है, जानकारी देने वाली है कि क्या कुछ घटा, क्या कुछ हुआ। इस डेवलपमेंट पर सोशल मीडिया में प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। कुछ लोग पुलिस को शाबाशी दे रहे हैं इस एनकाउंटर के लिए, पुलिस की तारीफ कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। कुछ लोग इस एनकाउंटर पर सवाल भी उठा रहे हैं, एनकाउंटर के तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि चारों आरोपी मारे गए, चारों को गोली लगी। पूछा जा रहा है कि क्या एनकाउंटर के समय उनके हाथ में हथकड़ी थी, अगर नहीं तो क्यों, क्या क्राइम सीन पर ले जाने के बाद उन्होंने भागने की कोशिश की, किस तरीके के हालात बने कि चारों भागने लगे, और किस तरह पुलिस को चारों को गोली मारनी पड़ी, गोली कहाँ मारी गई, क्या पहले पैर में गोली मारी गई, क्या कुछ हुआ, इसकी अभी डिटेल्ड जानकारी नहीं है। हैदराबाद रेप केस की वारदात 27 नवंबर की है। जिस 26 साल की लड़की के साथ अपराध हुआ वो वेटनरी डॉक्टर थी। 27 नवंबर की शाम 5:30 बजे वो घर से निकली। रात 9:22 पर उसने अपनी बहन को फ़ोन किया, बताया कि उसे डर लग रहा है, उसकी स्कूटी का टायर पंचर हो गया था, कुछ लोग उसके पास आकर मदद देने की बात कह रहे थे मगर डॉक्टर को वो ठीक नहीं लग रहे थे। इसी बात पर वो डर रही थी और उसने अपनी बहन को यही डरने वाली बात फ़ोन पर बताई। बहन ने कहा कि वो उनसे बात करने की कोशिश करे, बात करती रहे, बहन ने हौसला बढ़ाया और इसके बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था। 9:45 पर बहन ने उसे दोबारा कॉल किया लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। बहन राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट थाने पर शिकायत लिखवाने पहुंची मगर वहां पुलिस ने कहा रिपोर्ट्स के मुताबिक कि टोल प्लाजा उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। परिवार का आरोप है कि यहां पुलिस ने उनसे कहा कि शायद उनकी बहन किसी के साथ भाग गई हो। पुलिस ने उनसे ये भी पूछा कि क्या उसका किसी के साथ अफेयर था। यूं इस तरह बेहद ज़रूरी और क्रूशियल समय बर्बाद किया गया जिसे अगर गवाया ना गया होता तो शायद डॉक्टर को बचाया जा सकता था। रात 3:10 पर आखिरकार शादनगर पुलिस थाने ने परिवार द्वारा लिखवाई गई गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की। उधर सुबह के 5 बजे चाटनपल्ली गांव का एक दूध वाला वारदात वाली जगह से होकर गुजरा। उसने कुछ जलते हुए देखा, उसे लगा शायद किसी ने ठंड से बचने के लिए आग जलाई हो, मगर 2 घंटे बाद सुबह के तकरीबन 7 बजे जब वो उस जगह से वापस लौटा तो देखा आग तब भी जल रही थी। उसने पास जाकर देखा तो आग में एक इंसानी शरीर जलता नजर आया। दूध वाले ने पुलिस को फ़ोन करके जानकारी दी और इस तरह डॉक्टर के साथ हुई भीषण अपराध की बात सामने आई। पुलिस ने चारों आरोपियों जॉली शिवा, मोहम्मद आरिफ, जोलू नवीन और केशवालू को अरेस्ट कर लिया था। ये चारों लॉरी में ड्राइवर और क्लीनर का काम करते थे। इस रेप केस पर तेलंगाना सरकार की काफ़ी आलोचना हुई। सोशल
सोशल मीडिया पर भी काफ़ी नाराज़गी थी लोगों में, कई जगहों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, काफ़ी सवाल, काफ़ी उंगलियां उठ रही थी पुलिस पर भी और सरकार पर भी। 1 दिसंबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस केस की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया ताकि जल्द से जल्द सुनवाई पूरी हो और न्याय आए। सरकार ने महबूब नगर जिले के फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज की अदालत को इस केस का जिम्मा सौंपा था। डॉक्टर के परिवार की शुरुआती शिकायत की अनदेखी करने के लिए तेलंगाना पुलिस की काफ़ी छीछा लेदर हुई थी। इस बैकड्रॉप में तेलंगाना सरकार ने कहा था कि महिलाओं से जुड़े अपराध और उनकी गुमशुदगी के मामलों में पुलिस को तत्काल शिकायत दर्ज करनी चाहिए। ये भी कहा गया कि 0 FIR सिस्टम का भी मुस्तैदी से पालन किया जाए। 0 FIR एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें अपराध चाहे कहीं भी हुआ हो उसकी शिकायतकर्ता किसी भी थाने में दर्ज करवा सकता है शुरुआत में। ऐसी स्थिति में थाना ये नहीं कह पाता कि फला जगह उसके जुरिसडिक्शन में, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती और वो शिकायत दर्ज करने से मना भी नहीं कर सकते। अब इस घटना से जुड़ी, इस एनकाउंटर से जुड़ी और भी डिटेल्स आएंगी, इस घटना से जुड़े वो तमाम ब्यौरे हम आपको बताएंगे। इनके लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।